पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मैं मनोकामना श्री हनुमान मंदिर रेलवे कॉलोनी से बिन्नू कत्याल, मनोकामना श्री हनुमान मंदिर में इस बार पूरे नौ दुर्गों में भगवान की कृपा से बहुत अधिक रश रहा, श्रद्धालुओं का बहुत आना जाना रहा। सुबह हवन के टाइम पर और दोपहर को महिला कीर्तन में बहुत, हर साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु मंदिर में आए और उन्होंने धर्म लाभ उठाया। और आज नवमी के दिन सुबह से ही 5:30 बजे से श्रद्धालुओं का बहुत आना जाना रह जाएगा और 10 बजे हवन शुरू हुआ है जिसकी आरती अब होने जा रही है। उसमें भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर के अंदर रहेंगे, आप लोग देख रहे हैं। और अब आधे घंटे के बाद भंडारा शुरू होने वाला है, उसमें बहुत अच्छी तादाद में श्रद्धालु भंडारा ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। मेरी माता रानी से हाथ जोड़ के यही कृपा है कि सब श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करें और धर्म लाभ उठाएं। अच्छा, जो भक्तगण लगातार आते हैं 9 दिन तक, उनके लिए लगातार मंदिर प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्थाएं रहती है? आप लोगों ने देखा, मंदिर प्रशासन ने पहले दिन से ही मंदिर के बाहर फायर ब्रिगेड से पुलिस चौकी तक लाइट की व्यवस्था, श्रद्धालुओं के लिए महिला जो कीर्तन के लिए श्रद्धालु आते हैं उनके लिए हमने स्पेशल अपने गार्ड रखे हैं, जिन्हें उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, किसी प्रकार की उनके साथ छेड़छाड़ ना हो। और मंदिर कमेटी ने जलपान की व्यवस्था उनके लिए शाम को करी गई है और आज भी अब 1 बजे से लेकर और 3 बजे तक भंडारे का वितरण होगा और शाम को 5 बजे मंदिर दोबारा खुलेगा, तब से लेकर अंत तक भगवान की कृपा तक चने और हलवे का प्रसाद बांटा जाएगा। मेरा श्रद्धालुओं से निवेदन है, जैसे 9 दिन मंदिर आएंगे ऐसे हमेशा आते रहें और अपने बच्चों को लेके, छोटे छोटे बच्चों को लेकर मंदिर जरूर आया करें जिन्हें उन्हें धर्म की शिक्षा प्राप्त हो। संभव जगवारी, कामना को पूरा करो जगवारी आई।
भगवती महाराज की जय। ओम जय अम्बे काली मैया जय जय भगवती मनोकामना श्री हनुमान मंदिर रेलवे कॉलोनी से बिल्लू का त्याग। मनोकामना श्री हनुमान मंदिर में इस बार पूरे नवदुर्गों में भगवान की कृपा से बहुत अधिक रश रहा, श्रद्धालुओं का बहुत आना जाना रहा। सुबह हवन के टाइम पर और दोपहर को महिला कीर्तन में बहुत हर साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु मंदिर में आए और उन्होंने धर्म लाभ उठाया। और आज नवमी के दिन सुबह से ही 5:30 बजे से श्रद्धालुओं का बहुत आना जाना रह जाएगा और 10 बजे हवन शुरू हुआ है जिसकी आरती अब होने जा रही हैगी। उसमें भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर के अंदर रहेंगे, आप लोग देख रहे हैं। और अब आधे घंटे के बाद भंडारा शुरू होने वाला है, उसमें बहुत अच्छी तादाद में श्रद्धालु भंडारा ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। मेरी माता रानी से हाथ जोड़ के यही कृपा है कि सब श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करें और धर्म लाभ उठाएं। अच्छा, जो भक्तगण लगातार आते हैं 9 दिन तक, उनके लिए लगातार मंदिर प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्थाएं रखी? आप लोगों ने देखा, मंदिर प्रशासन ने पहले दिन से ही मंदिर के बाहर फायर ब्रिगेड से पुलिस चौकी तक लाइट की व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए, महिला जो कीर्तन के लिए श्रद्धालु आते हैं उनके लिए हमने स्पेशल अपने गार्ड रख रखे हैं, जिन्हें उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, किसी प्रकार की उनके साथ छेड़छाड़ ना हो। और मंदिर कमेटी ने जल पान की व्यवस्था उनके लिए शाम को करी गई है और आज भी अब 1 बजे से लेकर और 3 बजे तक भंडारे का वितरण होगा और शाम को 5 बजे मंदिर दोबारा खुलेगा, तब से लेकर अंत तक भगवान की कृपा तक चने और हलवे का प्रसाद बांटा जाएगा। मेरा श्रद्धालुओं से निवेदन है, जैसे 9 दिन मंदिर आएंगे ऐसे हमेशा आते रहें और अपने बच्चों को लेके, छोटे छोटे बच्चों को लेकर मंदिर जरूर आया करें, जिन्हें उन्हें धर्म की शिक्षा प्राप्त हो। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।